দিয়ে ভারী টা ভারী না চাপু ওলে মেলা বেচু আরে মেরা বেচু চাপু ফাইনালি হম লোক আ গয়ে ঘর হ্যাঁ না চাপু আ কে দৌড় কে কিয়া আরে বাবা अरे रुको एक सेकंड ये देखो सुची क्या बना के रखी है और पीहू दोनों मिलके ना वेलकम कूल भैया एंड स्वीट दीदी फ्रॉम चप्पू हाउ स्वीट इतनी अच्छी कब से हो गई इतनी अच्छी कब से हो गई अभी से कहाँ गई दीदी आओ जा जा आगे जा पीहू लेके देखो दीदी देखो ना आती दीदी मेरा कपड़ा दिखाई है ना कर दी थी ये देखो चप्पू को हाँ चप्पू अभी से ही हम लोग की सेवा में लग गया चलो पहले फ्रेश हो लेते क्योंकि बहुत गंदे खुद से लग रहा है घिन लग रहा है यार खुद से पहले नहा लें तो घर आने से पहले रानी मम्मी को बोल दी थी मम्मी यार फुचका लेके रखना और देखो हम लोग यहाँ पर फुचका खा रहे हैं सबसे पहले बिना कुछ किए कपड़ा वपड़ा चेंज किए बिना सबसे पहले ये चाहिए ये नशा है तो मम्मी फुचका रेडी कर रही है हम लोगों के लिए क्या काजू कतली ना खाई नहीं मम्मी पहले फुचका खिलाओ आज कितने समय के बाद हम लोग घर की चाय पीने वाले हैं वो भी अपने कप में हाँ आपको पता है चप्पू मेरे को बताया हमारे एब्सेंस में चप्पू मेरा कप चोरी कर करके चाय पिया है क्यों लड़का रानी ये तेरा कप में भी पिया होगा बता नहीं रहा है हाँ चप्पू कोई बात नहीं चलता है लेकिन मम्मी के हाथों की चाय को कितना मिस किया अब जाके मिल रहा है यार रो देंगे अब हम हाँ और कुछ हम भी पिए थे तो हमको भी अच्छा लग गया यार लाइटिंग ठीक नहीं है रूम की कोई बात नहीं यार चलता है भूल गए हम लोग कहाँ कहाँ हमने लाइट लगाया है हाँ ना ठीक करना पड़ेगा इन लोगों को देखो चैन नहीं है ये लोग ट्रॉली खोलने भी लगे जिसमें खाने वाला सामान है हाँ खोलो घर का सबसे बड़ा बच्चा आ गया मेरे पप्पा देखो 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 इनको तो देखो यहाँ पर सारा सामान है तुम लोगों के लिए ये चप्पू का है हाँ ये चप्पू को दे दो थैंक यू बोलो बोलते रहना हाँ हाँ ये सब वो निकालो ना रेड वाला जार मेरे को मिल गया मेरे काम का चीज ले लो देखो तुम्हारे लिए कितना बर्तन लाए मम्मी खुशी खुशी देखो ना पापा खुशी कढ़ाई पापा बोल रहे रानी को कि अपने साइज के भर सब खरीदिए ये पर अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे तिलक तिलक का बात करती हो डाउरी प्रमोट करती हो देखो भाई मजाक है मजाक को मजाक में लो हाँ तो दीदी यहाँ चप्पू के लिए मिठाई निकाल रही है ना और चप्पू का देखो ना एक्सप्रेशन बस देखो अभी मुंह में पानी आ रहा है अरे अरे ये है मिठाई हाथ नहीं लगाना साफ नहीं है चम्मच लाओ मम्मी से मांग के कैसे हड़का रही हो चल हम झोला खोल लो गला में खाने गलत फायदा उठाती हो बड़ी बहन होने का कैसा टेस्ट चप्पू अच्छा है कैसा है सुची अच्छा है कैसा टेस्ट चप्पू चप्पू को तो अपना फेवरेट चीज मिल चुका है जाओ इसमें जाके एक ग्लास दूध पी के आओ तो जल्दी से दिखाओ तो मेरे को इसी बहाने लड़का दूध तो पिएगा एकदम दूध नहीं पीता है ये लड़का चलो ये ग्लास लाने का एक फायदा तो हुआ दूध नहीं पीने वाला बच्चा दूध पीने लगा टेस्ट इसमें तो अच्छा लग रहा होगा कुछ अलग लग रहा होगा है ना झूठा बड़ी मार रही है दोनों का सेम अभी पापा क्वालिटी चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है इसी शर्ट के साथ मैचिंग एक लुंगी आपके लिए एक लुंगी गुड्डू चाचा के लिए चप्पू किसका है ये पापा चप्पू कैसा है हाँ ये चप्पू का ब्रेसलेट ये चप्पू का शर्ट लुंगी धोती ये चप्पू का लुंगी अरे इसमें दीदी वो है क्या कुछ लगा हुआ है क्या ओ पहना दो तो दीदी ज्यादा बड़ा है बहन थोड़ा सा कोई बात नहीं जब बड़ा हो जाएगा रैप कर देना लुंगी डांस करेगा चप्पू इसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं है हम दुकान में बेच देंगे बाद में आएंगे इसका
सो गाइज इट्स दी नेक्स्ट डे और कल सबको सामान दिखाते दिखाते सबको सबके गिफ्ट्स देते देते बहुत लेट हो गई थी एंड आज की अपडेट ये है कि आज आने वाले हैं हमारे फुआ और फूफा जी जिनके साथ हमारा थोड़ा बहुत प्लान है एंड उसके अलावा रानी दूसरी सबसे बड़ी अपडेट क्या है? दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कल हम लोग कहीं और निकलने वाले हैं। वो कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है दीदी, हम तो कभी नहीं सोचे थे। अभी वेलोर से आए, फुर्सत भी नहीं हुआ, फिर हम लोग कल निकल रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे चीज़ के लिए निकल रहे हैं। देखो अभी तक आप लोगों को अगर गेस कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे दीदी आप बता नहीं रहे हो, वक्त आ गया है। ठीक है, मतलब हम लोग राइट टाइम का वेट कर रहे थे, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, बहुत सारी चीजें हुई, तो उन सब के बारे में मेन चैनल पे बात की जाएगी। हेल्थ अपडेट के बारे में भी मेन चैनल पे डिटेल में बात की जाएगी। तब तक उससे पहले अभी जो बुआ लोग आ रही है ना, हम लोग रेडी शेडी हो जा रहे हैं क्योंकि हमें बाहर जाना है। हाँ, आज का पूरा दिन मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए भी मजेदार के साथ साथ बहुत टायरिंग होने वाला है। कल वेलोर से आए, आज बाहर जा रहे हैं, कल कहीं और के लिए निकल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ठीक है अब तैयार होके मिले क्या हम लोग? कल के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और आज के लिए भी चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ जाने की तैयारियां स्टार्ट हो गई है और दीदी अपनी ड्यूटी में लग गई है बुआ का मेकअप करते हुए एकदम अपने जैसा। पता है दीदी, तुम और बुआ ना ट्विनिंग कर रही हो आज। हम बुआ और फूफा जी तीनों ट्विनिंग कर रहे हैं, एकदम गुलाबी पहनी है। बेटी आई है, एकदम अलग वाला है। तो जल्दी से हम लोग भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। यही हमारी बड़ी बुआ है। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी बुआ है। उम्र गेस करना आप लोग, अगर कर सकते हो तो कोई आपको उम्र नहीं गेस कर पाएगा। सो गाइज, हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं, बहुत पहले से ही रेडी हो गए हैं, लेकिन एक गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं है, लोग ज्यादा है, तो हम लोग गाड़ी का बस वेट कर रहे हैं। एंड बुआ से तो आप लोग मिल लिए, फूफा जी अभी नीचे हैं तो उनसे मिलवाएंगे कुछ देर के बाद। एंड हमारा चप्पू बेबी यही पर है, बेचारा वेट कर रहा है। ये पता है दीदी, मेन्यू भी डिसाइड कर लिया कि हम बाहर जाके क्या खाएंगे। बाय द वे, बाहर से याद आया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पत्रातू। हाँ, तो अभी जा रहे हैं बुआ, दादी और बाबा का थोड़ा सा फोटो शोटो ले दे रहे हैं। आ जाओ सब इधर। सो अरसों के कारक खराब हो गया है मेरा। बोलना क्या चाहिए, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। अरसों के इंतजार के बाद हमारी गाड़ी, हमारी बरसों ओ सॉरी यार, अरसा भी होता है एक अरसा। हाँ यार, जो भी हो, दिमाग खराब हो गया, धूप में नहीं दिमाग चलता है। गाड़ी आ गई है, चलो माल गाड़ी में हम लोग बैठ गए, लोड हो गए हम लोग, लोड हो गए एकदम। गर्मी लग रही है, गर्मी पीछे भी है, पीछे भी दिखा दो, पीछे भी माल और क्या बोलते हैं, बकरी और भेड़ लोग भरा हुआ है। ये लड़का, इसको अपने घर का मोह बाप रे बाप बाय किए जा रहा। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए यहाँ पर, ये डैम है ना दीदी, और हम लोग सबसे पहले बोटिंग करेंगे। ये मेरा भी दीदी पहली बार है, पता है तुम तो की हो ना मेरे बिना। हम एक बार नहीं, मतलब हमको आई थिंक 4-5 बार कर चुके हैं। शर्म नहीं आया तेरे को एक बार भी की अपनी बहन को करवा दे? बिल्कुल नहीं। हाँ तो तुम मत करना, टिकट का पैसा बचाना। चप्पू चलो गाड़ी में बैठो। तुम नहीं जाएगा? नहीं, तुम दादी का ख्याल रखेगा। यहाँ दादी और बुआ भी सब रेडी है बोटिंग करने के लिए। इतना सारा खाने पीने का चीज आ गया है, हम लोग व्यवस्था लेकर के जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। अरे भाई दूर कर भाई, फोकस गड़बड़वा दे रहा है तुम मेरा। सब गया अंदर, ये देखो। नहीं पता इसको हील्स पहन के कौन आने बोला था? दीदी तुमको ये ज्ञान कौन दिया? बहन देखो, पतरातू आना है कि नहीं आना है ये नहीं पता था, तो इसीलिए बाप रे बाप। अब चलो, वो गाना नहीं है दीदी, ऊंची नीची डगरिया पतली मोरी कमरिया। बहन खांद क्या हो, जहाँ छेद है वहीं पर पैर रख रही है, आगे रख आगे। अरे सुची, तुम्हारे भरोसे तो हम लोग आए कि तुम हम लोगों को संभालोगी। तोड़ना मत पियो, भाग भाग जल्दी जल्दी चलो। आराम से, तो वो हील्स पे चली गई और यहाँ पर झोला वोला मेरे को पकड़ा दी है। अब हम कैसे जाए, ऊंची नीची डगरिया पतली मोरी कमरिया। वो मूवी है ना, राम 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 राम। अरे बहन आ गए आ गए। सो यहाँ पर एक बोट में बुआ, दादी, आकाश और सुची, और यहाँ हमारे ड्राइवर भैया को भी बुलाया जा रहा है। फूफा जी पूरा सिटी पे सिटी मार रहे हैं, और दूसरे बोट पे चप्पू, रानी, पीहू और हम, क्योंकि चप्पू मेरे पास ही बैठेगा, है ना चप्पू? नहीं जा रहा है चप्पू। तुम किसके पास बैठोगे?
बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये ना एकदम मेरा बच्चा है, मेला बच्चा है, मेला बच्चा है, मेला बच्चा है। ये देखो इन लोगों को, चल गई, जाओ चप्पू, जा जा जा, अकेले जा, मत जाना मत जाना, हम चल रहे, हम चल रहे, चलो आ जाओ, चलो चलो बाबू चल। एक तो हम हील्स पहने हुए हैं, पता नहीं क्यों पहन लिए, है ना चप्पू? भैया इसको चढ़ा दीजिए तो, भाई अब हम फोन रख रहे हैं तो गिर जाएगा मेरा फोन। जो खतरों के खिलाड़ी वाला काम किया है ना हम लोगों ने, मतलब हम और सुची स्पेशली, बाप रे बाप, हील्स पहन के चल रहे हम लोग, क्या कैसे कैसे कैसे, ये आजकल ना लड़का बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे कैमरा शाय हो रहा है। बुआ भी आ गई हम लोगों के पास, अब बुआ पूरा नाव हिला दी। हाँ वो मजा आ रहा है। अच्छा गद्दा, यहाँ पर गद्दा नहीं है, यहाँ पर केवल बेंच है। उफा जी आप पूरा हिला दिए नाव। मजाक में नहीं लेना है। इधर आ जा, यहाँ पर बैठ। अच्छा हम लोग के पास आ जाओ। चप्पू कैसा लग रहा? अच्छा बच्चे, हम ना 2 साल के बाद बैठ रहे, लास्ट टाइम कॉलेज में तब बैठे थे। मेरा तो पहली बार है। बेटा तुम्हारा उम्र ही कितना है, तेरा पहली बार होगा। बहुत महंगा बच्चा है। महंगा बच्चा है ये हमारा। अभी लहर बहुत ज्यादा आ रहा है तो फूफा जी बोल रहे कि मेरा दिल ऐसे ही कमजोर है। चप्पू को भी मम्मी और नानी सब याद आ रही है। सीरियसली मेरे को भी पानी से थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। कैसे पकड़ के पर्स बैठी है। यहाँ पर फुआ और फूफा जी फोटो खिंचवाने में इतना शर्मा रहे भाई। हम लोग जबरदस्ती इन लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के फोटो क्लिक करवा रहे, बस हाथ ही पकड़वा करके और कुछ नहीं। एंड अभी बस एक हम लोगों का हो गया, अभी हम लोग बॉर्डर लाइन पे आ गए, अब यहाँ से रिटर्न मारेंगे, तब शायद हमारे को अच्छी लाइटिंग मिले और अच्छे से हम लोग फोटो ले सकेंगे। क्योंकि रानी इसके कारण जो भी ये ऊपर में कवर है उसके कारण ना हम लोगों को अच्छा लाइट नहीं मिल पा रहा है। ये लड़की लोग बीच में नाव को रुकवा कर गोल्डन आवर में फोटो क्लिक करवा रही है। सोचिए डेडिकेशन, आप लोग देख सकते हैं, एकदम बीच में रुकवा दी है नाव को और फिर फोटो क्लिक करा रही है। आते ही है तो ये लोग पूछते हैं लोग से, तुम्हारा हील्स तो मेरा पसंद का है ना, तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखिए 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 देखिए, ये ठीक है, वो जो आने वाला है ना बहुत खतरनाक। नाव को बीच में रुको, क्या कर रही थी? फोटो ले रहे थे। भैया ना बड़ा कोऑपरेटिव थे, एकदम रोक दे रहे थे गोल्डन आवर। क्योंकि हमने वीडियो में बोले ना कि भैया नहीं बोले, बोला हमारा फोटो नहीं आ रहा है इसके कारण, उसी वजह से भैया रोक दिए। और पता है ये इसका नाव और हम लोगों का नाव साथ में चला था, लेकिन ये लोग 5-10 मिनट पहले पहुंच के बैठा। तो लगा फोटो शूट चल रहा था। बहुत अच्छा है यार काकाश, गोल्डन आवर में दीदी का भी मस्त लिया, दीदी मेरा भी मस्त लिया। ये देखो अब ये लोगों का जो होता ना खतरे की घंटी बज गई है। सुची हिला रही है, तुम पूरा पूल कैसे खड़ी हो गई बीच में? हट 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 हट, चलो चलो जल्दी आ। अरे वो हम लोग आता था ना पोगो में दीदी। हाँ। कौन सा गेम? द केसेस कासल। हाँ। 90s के बच्चे बचाओ नहीं बताओ कि आप में से किस किसने पोगो पर द केसेस कासल देखा है, क्योंकि हम लोग हमेशा छुट्टी होता था तो द केसेस कासल देखने के लिए मरते। बड़ा मजा आता था सीरियसली उसमें, जावेद का जो कमेंट्री होता था। दादी अच्छा लगा नाव में, है ना? पहली बार दादी भी बैठी थी। अभी भी हम लोग जा रहे हैं झरना में। इसका ऐसे ही लात खाते रहती है 24 घंटा। रांची में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि पूरा फॉल सूख चुका है, मतलब यहाँ से भी पूरा पानी बहता था और ये पूरा नीचे पानी से भरा हुआ रहता था, मतलब डेंजरस दिखता था, है ना? लेकिन अभी देखो इतना गर्मी है कि फॉल भी सूख गया। अब शाम भी बहुत हो गई है तो चलते ही है, पेट पूजा किया जाएगा, बैड लक। बुआ कैसा लगा? अच्छा लगा। मजा जी कैसा लगा? एकदम फाइन। फाइन ना, शक्ल देखे तो लग रहा है कि आप थक गए हैं। अरे हम इसका पैदल नहीं चलते हैं, तुम लोगों के साथ घूम लिए। यहाँ पर ना पानी होता तो इंसान नहीं थकता, पानी होता तो और मजा आता, तो पानी नहीं था तो गर्म भी है ना, गर्मी ज्यादा, हम लोग गर्मी के कारण एग्जॉस्ट हो गए, नहीं तो यही ठंड में ना मस्त फीलिंग आती। बारिश पाएगा बुआ। हम लोग जा रहे हैं, अपना जितना भी कैलोरी बर्न किए खा पी के उसको फिर से वापस। हेलो 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 हेलो,
कोई सुन ही नहीं रहा है। ये लोग इधर कैदियों की तरह पैक है और वेट कर रहे हैं कि कोई इनका डिक्की खोले तो ये लोग उतरे। हेलो अभी बैठे रहो यहीं पे। खैर हम लोग आ गए हैं गोकुल और यहीं पर अभी हम लोग डिनर करेंगे। दादी थोड़ा सा इधर आ जाओ, रोड के इधर आ जाओ। हाँ तो पेट पूजा तो अच्छे से सबका हो गया। बुआ आप बताइए, रिव्यू दीजिए। बीच में फूफा जी रिव्यू मांग रहे थे तो बुआ नहीं दी थी, आप बताइए कैसा लगा अपना माँ भतीजी भतीजा के साथ खाना खाते। हाँ बुआ बताइए, सर्विस जोर से बोलिए। अच्छा लगा, शर्मा क्यों रही, अच्छे से बोलिए। अच्छा लगा। फूफा जी अब आप अपना रिव्यू दीजिए, बुआ का तो पूछ लिए, आपको कैसा लगा? परिवार के साथ बैठ के खाने में अच्छा लगा। कितने हैंडसम दिख रहे हैं आप कैमरा में चमक रहे हैं। रुकिए हम आपको क्लिप दिखाएंगे। मौका मिले तो फिर कोशिश किया जाए, जल्दी आइए आप लोग फिर से। दादी कैसा लगा? ये लोग सब केवल दादी को परेशान कर रहे हैं क्योंकि दादी डेली डिनर में दूध रोटी ही खाती है, तो ये लोग चिढ़ा रहे हैं उसको। हाँ दादी ये सब क्या है, नहीं खाते ये लोग बाहर ना, तो छोड़ो हमारा यहाँ पर पेट पूजा हो गया है, बस लास्टली सब डेजर्ट का वेट कर रहे हैं। उसके लिए तो पेट में थोड़ा सा जगह हमेशा रहता है ना, भली पेट कितना भी भर जाए। तो हम लोग रस माधुरी ऑर्डर की और गरम गरम गुलाब जामुन बस आ जाए। दादी को जल्दी है घर जाने के लिए। खैर अभी हम लोग उसके बाद घर ही जाएंगे और घर जाके सो जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत थक गए। नहीं बहन एक शूट करना है बहन। हाँ एक शूट, हाँ ब्लॉग को एंड कर देते क्योंकि लिटरली सुबह से कैमरा लिए हुए हम लोग, बैटरी भी बहुत कम होती। हाँ तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और हमारे और भी अच्छे अच्छे फैमिली मेंबर्स को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है? आप टिकट का पैसा भेजेगी सबको? हाँ वो भी भेज देना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो पैसा मिलेगा हम लोग को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।